बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का हमारा टॉपिक है बेड हेयर ट्रांसप्लांट। तो इसका बेड हेयर ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि हम आपके ये डोनर एरिया से बाल लेते हैं और आपकी ये बेड पे ट्रांसप्लांट करते हैं। अब ये जो बेड हेयर ट्रांसप्लांट है, इसका कामयाब होने का क्या रेशो है, ये डिपेंड करता है कि आपका डोनर एरिया कैसा है। जिन लोगों का डोनर एरिया यानी बैक ऑफ द स्कैल अच्छा होता है तो उनमें 98% टू 100% आपका जो बेड हेयर ट्रांसप्लांट है सक्सेसफुल होता है, कामयाब रहता है। बेड हेयर ट्रांसप्लांट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो इसका होता है कि आपने जो हेयर लाइन बनानी होती है बेड की, वो आपने बड़ा क्योंकि ये परमानेंट हेयर होते हैं, ये आपने बड़ा एहतियात से बनानी होती है। और दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है कि डायरेक्शन ऑफ हेयर्स, कि किस डायरेक्शन में आप बाल लगाते हैं, क्योंकि ये परमानेंट बाल होते हैं, लाइफ टाइम इंसान के साथ चलने होते हैं। और आपने इसकी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने उसकी डायरेक्शन जो नेचुरल डायरेक्शन है उसके मुताबिक आपने बनाने होते हैं, यानी जो बेड के जो बाल हैं वो आपकी नेचुरल लुकिंग में आए। तीसरी चीज़ इसमें आ जाती है कि ये 7 से 8 घंटे का प्रोसीजर होता है और इसमें आपने क्या क्या एहतियातें करनी होती हैं। 3 से 4 दिन आपने बेड हेयर ट्रांसप्लांट जो आपका हुआ था उसको टच नहीं करना होता, ठीक है। अगर आपको कोई खारिश वगैरह होती है तो उसके लिए हम आपको एक स्प्रे देते हैं, वो आपने स्प्रे करना होता है और 3 से 4 दिन आपने इसको टच नहीं करना होता। 7 से 8 दिन तक स्किन जो आपकी होती है वो आपके बालों को मजबूती से पकड़ लेती है, फिर उसके बाद आप टच करना शुरू कर दे। 12 से 15 दिन बाद ये बाल आपके गिरने शुरू हो जाएंगे बेड के, और उसके बाद आप ये 21 दिन तक आपके टोटल बाल ये सारे गिर जाएंगे और 7 से 8 महीने आपके लगेंगे कंप्लीट रिजल्ट आने में। सो बेड हेयर ट्रांसप्लांट डिपेंड करता है कि डोनर एरिया आपका कैसा है। अगर आपका डोनर एरिया अच्छा है तो मैक्सिमम अच्छे रिजल्ट्स विद नेचुरल ब्यूटी के साथ आपका जो बाल होंगे वो उगेंगे और डेंसिटी के साथ आएंगे। इसके मुकाबले में जब हम बेड के बाल लेके हम आपकी स्कैल्प पे ट्रांसप्लांट करते हैं, उसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आते कि जो कि आप सर के बाल लेके बेड पे ट्रांसप्लांट करते हैं उसके रिजल्ट मैक्सिमम अच्छे आते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, आपको कोई सवाल पूछना हो, कोई क्यूरी हो, आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।